2021-2022 का फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। हम लोग क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है चैप्टर वन। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है अबाउट नंबर्स। इट मींस हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। एक चैप्टर है बच्चों, तो सुन पा रहे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, आवाज आ रही है मेरी आपको? तो जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास नाइन का, वो फर्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर इज नंबर सिस्टम, ठीक है। हम लोग बच्चों इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से नंबर होते हैं। इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटली अबाउट द नंबर फ्रॉम जीरो टू डेसिमल। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। किसको बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर? गुड, हाँ बहुत अच्छा। जितने भी काउंटिंग नंबर थे, उन काउंटिंग नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे आप, फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे आप काउंटिंग नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। क्या लिखिएगा? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए एग्जांपल में हम लोग लिख लेंगे काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है? वन। इट मींस वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर आप कहां से स्टार्ट करते हो? वन से। इसी वजह से वन को क्या बोलोगे आप? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। किसी को परेशानी है? इसके बाद देखो, आप ऐसे काउंटिंग करते करते आप कहां तक पहुंच सकते हो? आप इस तरह से काउंटिंग करते करते कहां तक पहुंच सकते हो? इन्फिनिटी। देखो, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। अपना अपना माइक ऑफ रखें, ध्यान दें। दिस इज कॉल्ड इन्फिनाइट। ये कोई नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नंबर। इन्फिनाइट कोई नंबर नहीं। इन्फिनाइट कहने का मीन्स क्या है कि अगर कोई चीज हमारे एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा होगा, तब हम बोलेंगे कि इट्स लाइक टू बी इनफिनाइट, ठीक है। जब हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा, तो इनफिनाइट कोई नंबर नहीं है। यानी कि आप ऐसे 1, 2, 3, 4 काउंट करते करते कभी भी इनफिनाइट तक नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो याद रखोगे, अगर कोई आपसे पूछे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, क्या पूछे? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप जवाब क्या दोगे? देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। दिक्कत बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गया? तो
तो हम नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं वन, बट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसके ठीक थोड़ा सा आगे आओगे तो हमें पढ़ना है अबाउट होल नंबर्स। ये आप जानते हैं होल नंबर्स के डेफिनेशन में लिखिएगा काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी अगर काउंटिंग नंबर का जो ग्रुप है इस ग्रुप में आप जीरो ऐड कर दो देन इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम होल नंबर। ठीक है, जिस तरह से वन था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, उसमें आवाज जिस तरह से हमारा वन था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक उसी तरह से जीरो होगा हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर कोई पूछे हमसे ग्रेटेस्ट होल नंबर के बारे में तो फिर हम जवाब देंगे देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग कहीं भी खत्म होने वाला है क्या? ये काउंटिंग कहीं खत्म नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट सेइंग दैट द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज नथिंग। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे जाओ मेरी तो हमें पढ़ना है इंटीजर के बारे में। इंटीजर्स, अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया, ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेचुरल नंबर है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन लिखने का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर। ठीक है, वैसे ही होल नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। अगर आपसे किसी ने डब्ल्यू बोला तो मैथ्स के वर्ड में, मैथ्स के भाषा में डब्ल्यू कहने का मतलब होता है सारे के सारे होल नंबर्स। ठीक है, इस डब्ल्यू में जीरो भी होगा, वन टू सब कुछ होगा, इज एन एवरीथिंग। यहां तक कोई परेशानी? इसके बाद हमें बात करना है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 9th एंड ऑनवर्ड इसके ऊपर हम बहुत सारी बात करने वाले हैं इंटीजर्स के ऊपर। सो व्हाट इज इंटीजर? बच्चों एक मिनट बता रहा हूं। आपको बच्चों का बोलिए किसे बोलना है हमें?
इंटीजर बोलना है, नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है ना? तो अब ये जो हमारा इंटीजर है इसके बारे में भी कुछ बात अहम बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए आगे की क्लास के लिए। ये हमने नंबर लाइन बताया, नंबर लाइन में अपना जीरो जीरो के राइट साइड अगर आप जाते हो तो आपको प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एंड डॉट डॉट मिलेगा। अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आपको माइनस वन माइनस माइनस थ्री एंड डॉट डॉट मिलेगा। ठीक है? तो हमारे पास जो इंटीजर होता है वो दो तरह के इंटीजर होते हैं। एक वैसा इंटीजर जो जीरो के राइट साइड होगा, जिसके पहले कुछ साइन नहीं है यानी प्लस का साइन होगा। दूसरा वैसा इंटीजर जो जीरो के लेफ्ट साइड होगा, जिसके पहले कैसा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा। तो इसलिए जिस इंटीजर नंबर के पहले पॉजिटिव साइन होगा उसे बोलोगे आप पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और जिस नेचुरल नंबर के पहले नेगेटिव का साइन होगा इसे आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर। किसी को परेशानी है इसमें? किसी को परेशानी है बच्चों? तो इंटीजर जो हुआ वो बेसिकली दो टाइप्स के हो गया। एक वैसा इंटीजर जो जीरो के राइट साइड में होगा, जिस वजह से इसके पहले प्लस का साइन लगा हो, तो इसे आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर। एंड दूसरा वैसा इंटीजर जो जीरो के लेफ्ट साइड लाइट में होगा, जो जीरो के लेफ्ट साइड होगा तो इसे आप क्या बोलोगे? नेगेटिव इंटीजर। एक बात आप गौर करिए, ये जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर के टीम में है और ना ही नेगेटिव इंटीजर के टीम में। दिखाई दे रहा है ठीक से आपको? तो आप देख पा रहे होंगे कि जीरो वैसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर के टीम में है और ना तो नेगेटिव इंटीजर के टीम में है। जीरो किसी टीम में नहीं है, तो इसलिए हम जीरो को बोलेंगे साइनलेस इंटीजर। क्या बोलेंगे जीरो को? साइनलेस इंटीजर। साइनलेस कहने का मतलब जिसके पास कोई साइन नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। किसी को परेशानी? अब दूसरी बात, आपको ये मालूम है कि आप जैसे जैसे राइट साइड मूव करते हो, एज यू मूव टूवर्ड राइट साइड यू जस्ट वॉक द ग्रेटर वैल्यू। इफ वन वन के राइट में है टू, तो वन से बड़ा वैल्यू है टू। टू के राइट में है थ्री, यानी टू से बड़ा वैल्यू है थ्री। थ्री के राइट में होगा फोर, तो थ्री से बड़ा होगा फोर। समझ में आ रहा है? यानी कि जैसे जैसे आप राइट साइड मूव करते जाते हो वैसे वैसे जो वैल्यू है वो क्या होते जाते हैं? बड़ा होते जाते हैं। और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड मूव करोगे, जैसे थ्री के लेफ्ट में है वन, तो थ्री से वन क्या होगा? छोटा। ठीक है ना? आप इसको नोट देख लिख सकते हो। नोट वन, एज वी मूव टुवर्ड्स राइट हैंड, टुवर्ड्स
राइट है, वी जस्ट गॉट द ग्रेटर वैल्यू, वी जस्ट गॉट द ग्रेटर वैल्यू। एंड नोट टू, as we move towards the left side, as we move towards the left side, we just got the smaller value. किसी को इस नोट में प्रॉब्लम है बच्चे? इस नोट में किसी को परेशानी है? गुड। तो आप यहां से आप बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं पूछूं -3 में और -1 में बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा? माइनस, बिल्कुल। तो ये किस तरह का फाइनल आंसर है? ठीक है, अब यहां से दूसरी बात को बता रहे भाई, माफ करेंगे। अब देखोगे आप जब राइट साइड मूव की हो, यानी कि व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में सबसे पहले क्या मिला हमें? वन। तो वन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। वन क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। और ये अगर आप नेगेटिव इंटीजर की बात करो तो ये -1, ये होगा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, वन है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वहीं पे -1 है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक, मींस ये कि पॉजिटिव इंटीजर में 1 से छोटा दूसरा कोई इंटीजर नहीं है। और आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कैन यू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन 1, क्या आप 1 से छोटा किसी पॉजिटिव इंटीजर को बता सकते हो मुझे? नो, इट मीन दैट 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और आप इसी तरह से नेगेटिव साइड पे -1 से बड़ा कोई दूसरा इंटीजर नहीं बता सकते हो। इट मीन दैट -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। Am I clear? अब इसके बाद हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे चैप्टर वही होगा। उस चैप्टर में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, दैट इज रेशनल नंबर। आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर बच्चों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि है बहुत छोटा पर बहुत लोगों को हर बार प्रॉब्लम में डाल देता है। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? रेशनल नंबर। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप इसका जवाब देना। ठीक, सपोज करो कि मुझे ये पता करना है, बच्चा माइक ऑफ कर दो, पूरी तो पकड़। मान लो आपको ये पता करना है, आपको पता करना है एक बच्चा को मैथ आता है या नहीं आता। ठीक है यश्विनी, माइक आप ऑफ रखेंगे तो इको नहीं होगा। आप क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, सपोज करो आपको ये मालूम करना है कि किसी बच्चे को मैथ आता है या नहीं आता है।
उस दिन जो आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्या पूछोगे? पहला क्वेश्चन, मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन? थर्ड क्वेश्चन है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूट्रल नंबर किसको कहते हैं? क्या क्वेश्चन पूछोगे? न्यूट्रल नंबर ऐसा क्यों पूछो? क्योंकि आप मैथ्स वाले बच्चों को जानना चाहते हो तो उसका टेस्ट मैथ के अकॉर्डिंग होगे। अगर आपको पता करना होगा कि किसी बच्चे को इंग्लिश आता है या नहीं आता है, तब ना आप उसका टेस्ट इंग्लिश का लेते, तभी तो उससे आप नाउन पूछते, टेंस पूछते, वगैरह वगैरह पूछते। बात समझ रहे हो ना? अगर मुझे ये जांच करना है, मुझे ये चेक करना है कि किसी बच्चे को फिजिक्स आता है या नहीं आता है, साइंस आता है या नहीं आता है, तो मुझे क्वेश्चन उससे साइंस का पूछना चाहिए या हिंदी का पूछना चाहिए? क्या पूछना चाहिए जी? तो उसी तरह से रेशनल नंबर, कोई नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको जानने के लिए तीन सब्जेक्ट है, यानी कि तीन इसका फॉर्म है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जिसमें फर्स्ट फॉर्म है फ्रैक्शनल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म। दूसरा है इंडेक्स फॉर्म और तीसरा है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, यानी ये कि अगर क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म का होगा तो उसको फ्रैक्शनल वाले से चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन इंडेक्स फॉर्म का होगा तब उसको इंडेक्स वाले से चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन डेसिमल का होगा तब उसके लिए डेसिमल वाला चेक करेंगे। जैसे मैथ वाले बच्चों के लिए निश्चित आपको मैथ्स का क्वेश्चन पूछना होगा, साइंस के बच्चों से आपको साइंस का क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक उसी तरह से फ्रैक्शनल वाले के लिए फ्रैक्शनल वाला टर्म चेक करोगे, इंडेक्स वालों के लिए इंडेक्स वाला टर्म को चेक करोगे और डेसिमल वाला में डेसिमल फॉर्म चेक करोगे। Am I clear? Okay. तो फ्रैक्शनल फॉर्म कहता है कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तभी कहलाएगा जब वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन में कैसा ही होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो कोई भी अगर क्वेश्चन p बाय क्यू के फॉर्म में होगा, p जो होगा ये इंटीजर होना चाहिए, p को इंटीजर होना चाहिए, q को भी इंटीजर होना चाहिए और साथ में q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि 5/7 ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो पहले आप ये देखना 5/7 तो p by q वाला जैसा लग रहा है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, तो आप चेक करना है भाई q नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, यहां q क्या है 7, यानी कि 7 नॉट इक्वल टू 0, ये सही होगा। फिर कहता है p को इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें p का वैल्यू कितना है, 5 इंटीजर है या नहीं बच्चों, 5 इंटीजर है या इंटीजर नहीं है? तो 5 इंटीजर भी है, p के साथ साथ q को भी तो इंटीजर होना पड़ेगा, तो देखो q कितना है आपका 7, ये भी तो इंटीजर है, यानी p by q के फॉर्म में भी है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, मींस दिस इज अ रेशनल नंबर।
कोई परेशानी? ये लगभग तो पहले क्या चेक करोगे आप? ये बी बाई टू के फॉर्म में है, फिर क्या चेक करोगे आप? आपका जो क्यू है वो जीरो तो नहीं है, क्यू यहाँ सेवन है, जीरो भी नहीं है। इसके बाद क्या चेक करोगे कि ये दोनों इंटीजर में मिलता है या नहीं मिलता है? अगर सब कुछ सही होगा तब कहोगे तो कि ये रेशनल नंबर है, अगर कुछ भी गलत होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? अच्छा बच्चों, बात ये जो क्लास है अभी, ये क्लास इसी ऐप पे रिकॉर्डेड रहेगा। आप जब चाहो 14 तारीख के डेट में यहाँ से लाइव वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है? अगर बीच में कहीं कुछ साउंड छूट गया होगा ना, आप जब चाहो तो आप यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो जस्ट लाइक यूट्यूब, ठीक है? या ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च मारेंगे इंग्लिश मैथ्स, आपको वहां भी वीडियो मिल जाएगा। अच्छा देखो, हमने ये समझा और क्वेश्चन हमसे कोई पूछता कि 3.214 रियल है या नहीं, इस वाले से इसमें नहीं चल सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन जो है ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो फिर इतना करने से नहीं कर पाएंगे ना, तो इसके नहीं, डिनोमिनेटर में वन है इसलिए रेशनल होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है? समझिए, अब बात करते हैं डेसिमल का। तो भाई डेसिमल होता है मेनली दो तरह का, डेसिमल दो तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो आसान भाषा में मैं कहूं तो, अगर क्वेश्चन में जैसे ये मान लो क्वेश्चन है 9.276, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है आप इसको काउंट कर पाओगे? ये जो क्वेश्चन हमने लिखा 9.276, इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है क्या आप इसको काउंट कर पाओगे? अगर बिल्कुल, अगर आप डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कर पाओगे तो टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल के बाद डिजिट काउंट नहीं कर पाओगे तो, जैसे इसी में मैं अगर यहाँ डॉट डॉट डाल देता, इसका मतलब क्या है कि ये आगे भी चालू रहेगा, चलता जाएगा, तब क्या आप मुझे काउंट करके बता सकते हो कि इसमें कितने डिजिट्स हैं? तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग प्रॉब्लम। टर्मिनेटिंग कब कहना है? टर्मिनेटिंग तब कहना है जब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं आप उसको काउंट कर पा रहे हो। अगर काउंट कर लिए डेसिमल डिजिट को तो टर्मिनेटिंग, और अगर डेसिमल डिजिट को काउंट नहीं कर पाए तो फिर नहीं टर्मिनेटिंग। इतना तो ठीक है। अब ये जो नहीं टर्मिनेटिंग है ना, ये भी होता है दो टाइप, नहीं टर्मिनेटिंग भी होगा दो टाइप। तो ये नहीं टर्मिनेटिंग का दो टाइप कौन कौन सा है? तो इसका पहला टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग,
और इसका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको आप रेकरिंग भी कह सकते हैं। अब ये समझते हैं क्या है, दिखाई दे रहा है ना? जैसे मान लो, सपोज करना कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसको अंदाजा लगा सकते हो आप? बहुत अच्छा। तो इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, अगर डेसिमल पार्ट में डिजिट का पैटर्न आपको पता चल जाए, जैसे ये लिखा है 7.26, 26, 26, तो पैटर्न आपको मालूम चल रहा है क्या हो रहा है शुरू। देखिए इसके बाद क्या होगा, अंदाजा लगाओ, तो अंदाजा लगा पाओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है? अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हो तब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर मैं ये लिख देता, जैसे ये है 9.2763 और इसके बाद कुछ का अंदाजा लगा सकते हो क्या आएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कुछ तो इटरेशन हो ही नहीं रहा, इसलिए हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या होगा। तो इस तरह को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग जनरेटर। समझ में आया? पहले टर्मिनेटिंग किसको कहना है, तो जिसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ये आप काउंट कर पाओगे तो टर्मिनेटिंग, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ये नहीं काउंट कर पाओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, ये कैसे देखोगे? तो अगर आप देखोगे कि कोई खास नंबर बार बार आ रहा है, रिपीट का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन का मतलब बार बार आना होता है, तो अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और अगर कोई नंबर बार बार नहीं आ रहा है, कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा है, तब वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया? तो हमारा रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये डेसिमल नंबर होगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या होगा, डेसिमल नंबर। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यानी जो रिकरिंग वाला है ये भी रेशनल नंबर होगा। सिर्फ ये जो है ना जिसमें पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसमें आप आगे अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो, ये होगा इरेशनल नंबर। आया बात समझ में? मैं आपसे कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है रेशनल है या नहीं। 2.312 रेशनल होता है नहीं होगा? पहले देखो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, क्यों टर्मिनेटिंग है भाई, ये टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि आप काउंट कर रहे हो कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3 काउंट तो कर रहे हो, तो डेसिमल के बाद डिजिट आपने काउंट किया तो टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग को क्या करना है, रेशनल नंबर। इसका मतलब ई भी क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है? ठीक बच्चा। अच्छा अब देखो मैं इसके बाद लगा दिया डॉट डॉट, अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है आप काउंट कर सकते हो, तो अब ये क्या हो जाएगा,
नन टर्मिनेटी। अब देखो तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा तुम अंदाजा लगा पा रहे हो? इसके बाद कौन सा नंबर आएगा अंदाजा लगा पा रहे हो? नहीं तो मतलब नन टर्मिनेटी नन टर्मिनेटिंग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। लेकिन इसी में होता फिर 312 होता तो देखो अब आप अंदाजा लगा पाओगे कि इसके बाद क्या आएगा, तब ये क्या हो जाता रेशनल नंबर। ठीक है, यानी आज के क्लास में हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर का जोड़ देखे। अभी एक टेस्ट बचा हुआ है इंटीजर। ठीक है, तो आज का क्लास तो अभी खत्म होने का टाइम हो गया है, आज का क्लास यही खत्म हो जाएगा। आप कुछ इम्पोर्टेंट बात समझ ली, अभी आपने जितना कुछ पढ़ा है ना, जितना कुछ हमने आपको बताया है, इसका एक कॉपी में फेयर कॉपी के जैसा आप बना लोगे। ठीक है, क्योंकि मैं उसको फिर चेक करूंगा। ठीक है, और इतनी चीज सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए, मैं कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। हमारी क्लियर है? ओके, तो आज का क्लास यही पे हम समाप्त करते हैं। कल कल आपका क्लास होगा, देखिए चलिए तो क्लास खत्म किया जाए। नाउ रेस्ट इज ओवर।